यहाँ बन रही है हमारी बिरयानी। आलू भी तकरीबन कुक हो चुके हैं, चिकन भी कुक हो चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने बिरयानी बनाई है। और यहाँ लहसुन जो है ये थोड़ा सा ब्राउन होकर तो पानी शामिल करती हूँ। क्या हुआ बेटा? बिस्मिल्लाह। बेटा अभी तो मसाला रेडी हो रहा है ना बिरयानी। जुनैद को बिरयानी असल में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जुनैद पूछ रही थी इसमें चावल कहाँ है। अभी तो मैं इसको बेटा ड्राई कर रही हूँ। अभी मैं इस पानी को ड्राई करूँगी, ठीक है? या मैंने नहीं नहीं अभी नहीं, ये जर्दी का रंग अभी नहीं डालते बेटा। मिर्ची आपको नहीं नहीं जर्दी का रंग है ये, देखो जुनैद को अभी नहीं पता है। आपको बिरयानी कभी आपने देखी है बनते हुए? नहीं देखी ना, मम्मा से सीखो आप, ठीक है? अभी ये मसाला रेडी होगा, ठीक है जुनैद? फिर उसके बाद फिर अब चावल, अभी चावल में हम डालेंगे अभी लहसुन को, ये पहले लहसुन को पहले ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये पानी ड्राई हो जाए, फुल तेज़ आ जाए, क्योंकि पानी गैस का बहुत इशू हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो गैस भी बहुत स्लो आती है, बहुत रात में बहुत स्लो आ रही है। और आप सब बताइए आप सबके यहाँ पे गैस कैसे आ रही है? कराची में तो ये काफ़ी दिनों से इशू चल रहा है, बहुत स्लो हो जाती है गैस, इसलिए बिरयानी में बना भी नहीं पा रही थी। सालन बन जाता था, रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, एक दो रोटी कराना ही बता मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो जैसे बनती है, क्योंकि ये पानी ड्राई नहीं हो रहा, इतनी आँच कम आ रही है कि पानी इसका ड्राई नहीं हो रहा है। और पानी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं किया, सिर्फ टमाटर है, टमाटर थे और टमाटर का थोड़ा सा पानी होते ही मैंने शामिल किया था, वो भी बड़ी मुश्किल से ड्राई हो रहा है। और उसी के अंदर ही मेरी चिकन और आलू कुक हुए हैं, तो इतनी स्लो गैस आ रही है, दिखाती हूँ आप, ये देखिएगा बहुत स्लो है। अच्छा तो नमक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हसबे जायका। अब देखते हैं अल्लाह हाफिज़ बिरयानी का कैसे बनती है, क्योंकि स्लो बहुत गैस स्लो आ रही है। लेकिन मैंने बच्चों से यही कहा कि ज़रा अगर गैस बेहतर होती तो मैं बिरयानी बनाती, तो वो कह रहे नहीं खानी है हमने बिरयानी, तो बच्चों की फरमाइश पे ही आज बन रही है। ख़ासतौर पर जोहेब कह रहे थे बिरयानी बनाएं बिरयानी बनाएं, तो मैंने कहा सोचा कि चलो बना लेती हूँ। अब जैसे बनती है, पानी मैंने काफ़ी कम इसमें शामिल किया है, अब देखते हैं बॉयल आ जाए फिर चावल गलते हैं नहीं गलते, किस तरह बनती है बिरयानी आप सबसे शेयर करते हैं। क्योंकि स्लो गैस होने की वजह से आप सबको पता है कि ये देखिएगा किस कदर स्लो है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा तो ये देखिएगा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, ये देखिएगा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो मसाला है वो शामिल करूँगी। अच्छा तो ये देखिएगा मैंने मसाला शामिल कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा ये देखिएगा जर्दी का रंग है जो इसमें फासले से थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूँगी, इस तरह करके थोड़ा सा यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा दरमियान में, फिर इसमें तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूँगी, उसके बाद देखते हैं फाइनल लुक। अब देखते हैं स्लो गैस पे कैसा और कैसी बिरयानी बनती है। चिकन तो काफ़ी गल थोड़ी सी गल भी गई है, लेकिन आलू सही है, आलू से बहुत ज़्यादा नहीं गले। दम पे लगा दिए बिरयानी को, कैटो दिखाती हूँ आपका। आज ये यहाँ सो रही है, मतलब ये मेरे पास लाउंज में बैठी होती है, आज यहाँ सो रही है। कैटो मेरी गुड़िया, यहाँ सो रही हो? गिलास भी आपने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ सो रही हो? ये देखिए कैसे बिल्कुल बॉल की तरह सो रही है राउंड में, देखो जुनैद कैसे सो रही है। हाँ तुम अपनी पकड़ी हुई है, जब उसको नींद आती है ना तो अपने तुम को ऐसे ही पकड़ के सोती है, वरना तुम हिलती रहती है तो हमें पता चल जाता है ये जाग रही है, सो नहीं रही। ये देखिएगा किस तरह सो रही है, अब लग रहा है कि ये सो रही है। चलो भाई कैटो को डिस्टर्ब नहीं करते, ये सोती है और चलते हैं हम बाहर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ, बाकी आज मैंने सोचा आप सबसे व्लॉग शेयर करूँ, व्लॉग बना लूँ। और दूसरा ये कि व्यूज़ नहीं आते, फिर आप थोड़ा सा आप डिसहार्ट हो जाते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप सबको पता है आप लोग सब देखते नहीं हैं, और इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, सब यूट्यूबर कर रहे होते हैं मेहनत, और जिनके व्यूज़ आते हैं सब्सक्राइबर उनके पास आते हैं, तो वो सब्सक्राइबर तो खैर मेरे पास आते हैं अल्लाह का शुक्र है, 2-3 इस तरह डेली आते रहते हैं, और लेकिन यह कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो देखते हैं नहीं देखते,
तो बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी थोड़ा, फिर वो दिल भी नहीं चाह रहा होता। जब आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो आपका दिल भी चाहता है कि आप व्लॉग बनाओ और शेयर करो, और दूसरा ये कि आपके सब्सक्राइबर भी आपसे कहते हैं कि आप व्लॉग आपका नहीं आया। तो बहरहाल मेहनत कर रही हूँ मैं, और जैसा कॉन्टेंट है मैं ऐसा ही बना सकती हूँ, क्योंकि मैं जो नॉर्मल टी मेरे घर की है वो मैं आपको सबसे शेयर करती हूँ, और या मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पे आ गई या कोई मेहमान आ गए तब मैं कोई वीडियो बना लेती हूँ, या फिर मैं जाती हूँ उनकी तरफ या मेरे घर पे कोई आता है, इस तरह ये सब मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, बनाती हूँ। और आप सबको पता है कितनी मेहनत चाहिए होती है एक वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, और काफ़ी काम होता है। तो जब आपके व्यूज़ कम होते हैं तो थोड़ा सा मतलब आप सोचते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो काम थोड़ा आप लोग भी थोड़ा कम कर देते हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो मैंने काम करना थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन ये कि मैं वीडियो बनाती रहूँगी, फिर भी जितने भी लोग देख रहे हैं मैं फिर भी बनाऊँगी, लेकिन ये कि थोड़ा सा अपने आप को हमें खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। तो कामयाबी कैसे मिलेगी, कैसे मिलती है यूट्यूब पर कामयाबी, तो यही है कि आप मेहनत करते रहो, यही हो सकता है जो मैं कर रही हूँ। और मुझे कब कामयाबी मिलेगी वो सब भी अल्लाह बेहतर जानता है, और बाकी मेरी लक है कि मुझे अगर YouTube से कामयाबी मिलनी होगी तो इंशाल्लाह अभी नहीं तो देर से मिलेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो भी है बहरहाल मैं काम करूँगी, करती रहूँगी, और बस हेल्थ अच्छी रहे, तबीयत सही रहे इंसान की, तो आप काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। तो ये सारी बातें, और दूसरा ये कि कॉन्टेंट बस यही है मेरे पास, मैं अपनी नॉर्मल रूटीन ही शेयर करती हूँ, बस यही है। और दूसरा ये कि आप डेली रूटीन ही आप शेयर कर सकते हो, वैसे भी नॉर्मल रूटीन चल रही थी, खाना बनाना, नाश्ता करना, बस ये सब हो रहा था, तो उस वजह से मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं अपलोड की। और दूसरा ये कि कुकिंग की भी मैं कोई नहीं बना सकी, क्योंकि हमारे स्विगी गैस का काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, तो बहुत स्लो गैस आ रही है, अभी आप सबने वीडियो में भी देखेगा, तो मैं कुछ बना भी नहीं पा रही थी। अब बिरयानी बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिनों बाद बनाई है। अच्छा, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी तो उनके साथ मैं बिज़ी रही थी, लेकिन उसके साथ प्रॉपर मैं एक व्लॉग भी बना रही थी और आप सबसे शेयर भी कर रही थी। बस ये वो जो लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था वो था हमारा पंजाब जाने का, जो मेरी सिस्टर चली गई थी वो मैंने आप सबसे शेयर किया। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी कैटों के फिर भी शॉर्ट वीडियो में या वैसे भी मैं अपनी कैटों की कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो मेरे बेटे बना देते थे, तो वो सब मैं आप सबसे शेयर करती थी। मैं सोच रही थी कि कोई ना कोई वीडियो मेरी जाती रहे और आप सब लोग देखते रहें। बहरहाल फिर हम जो यूट्यूबर मेहनत कर रहे हैं वो मायूस ना हो, मैं खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, आप सबको भी कर रही हूँ कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है यूट्यूब पे। आप नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग करते रहें, जो भी आपका कंटेंट है उसमें मेहनत करते रहें, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, और सब्सक्राइबर भी आएंगे और व्यूज़ भी इंशाल्लाह आएंगे। बस अभी बिरयानी मैंने दम पे रखी हुई है और चलते हैं किचन में और देखते हैं कि बिरयानी का क्या हुआ, क्योंकि सुई गैस इतना कम था और उसी कम सुई गैस में मैंने बिरयानी बनाई है। चलें देखते हैं, चलें किचन में चलते हैं, चलें किचन में चलते हैं, देखते हैं बिरयानी कैसी बनी है। जुनैर, आपको बिरयानी दे दूं क्या? अभी खाओगे थोड़ी देर में? चलें देखते हैं बिरयानी कहाँ तक पहुंची हमारी। गल गए हैं चावल, गलने तो थे क्योंकि सुई गैस बहुत कम आ रही है। इसे मैं अपने लिए निकालती हूँ, फिर आपको खा के बताती हूँ। तो मसाला भी निकालते हैं हम, खाने लगेंगे तब मैं मिक्स करूंगी। बस ये फाइनल लुक है हमारी बिरयानी का, हम चले खाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये बिरयानी लेके चलते हैं, कैटो वही है, कहाँ चले गए कैटो? आ गई मेरी गुड़िया, ये देखिए कैसे आई है मेरी गुड़िया, आ गई गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया कैटो। आप खाना पड़ा हुआ है, अपना खाना खाओ आपको, तो लेकिन जब हम अपना खाना लाते हैं तो वो भाग के आती है, वो समझती है मेरा खाना भी आ गया, लाते कि उसका खाना वही हम हर वक्त रखते ही हैं ताकि ये खाती रहे। मैं नहीं खाती हूँ और बताती हूँ आप सबको, खुद ही बताती हूँ, ये बच्चे भी घर पे नहीं हैं, जुनैर अभी खा नहीं रहे और जुनैर की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है,
गला ख़राब हो रहा है जुनैर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चावल ज़रा गल गए, बाकी नमक मिर्चें वगैरह सही है। हरी मिर्चें, ये सिंधी बिरयानी है जो मैं बनाती हूँ, मसाला भी सिंधी बिरयानी का ही यूज़ करती हूँ। बहरहाल अच्छी बनी है, सिंपल तरीके से है, जल्दी झटपट रेडी हो जाती है। आप सब भी बनाइएगा। बस अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। रानी की दुनिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।